फिरोज, क्या बचत से यहां पर यह मतलब है, मतलब अगर हम आरबीआई की रिपोर्ट को ही समझने की कोशिश करें, क्योंकि आरबीआई एक तरफ से कह रही है कि भारत में जो बचत दर है वो गिरी है और पिछले 50 सालों में हमने ऐसे आंकड़े नहीं देखे जो अभी हम देख रहे हैं, मतलब जो ट्रेंड आगे हम देख बढ़ते हुए देख रहे हैं वो ये कहता है कि 50 सालों में पीछे हम चले गए हैं इन टर्म्स ऑफ सेविंग इकोनॉमी। अब लोग बढ़ चढ़कर अब खर्च करना चाहते हैं, लेकिन ये खर्च हो रहा है लोन लेकर। हालांकि वित्त मंत्रालय का इससे थोड़ा अलग मानना है, उसका कहना है कि लोग अलग एसेट्स में निवेश कर रहे हैं लेकिन कर्ज लेकर। लेकिन जो हम ये बचत की बात करें, वो क्या बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा है या फिर लोग जो पैसे बचाते हैं अपने घर पर रखते हैं वो पैसा है, इस बचत को हम समझे कैसे पहले ये बताइए। स्वाति जी नमस्कार, सुतीश जी नमस्कार। जैसे आपने कहा बचत क्या है, ये जो डेटा जो रिलीज होता है वो ये दिखाता है कि आपकी जो पूरे साल की हाउसहोल्ड सेविंग्स, फॉर एग्जांपल 46,19,501 करोड़ थी लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY 21-22। इसका पूरा ब्रेकअप आता है, फाइनेंशियल सेविंग्स आती है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज आती है, तो नेट फाइनेंशियल सेविंग आती है, फिर रियल एस्टेट की सेविंग आती है, फिजिकल एसेट्स की। तो ये टोटल जो सेविंग है वो आंकड़ा हर एसेट को जोड़ के, वो जो टोटल सेविंग होती है हाउसहोल्ड्स की एज अ ग्रुप ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड्स, उसको कहते हैं ये सेविंग्स नंबर। तो बैंक अकाउंट सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। जैसे हमने देखा था कि भाई जो टोटल सेविंग सदियों से चली आ रही है उसमें बैंक अकाउंट 5% कंट्रीब्यूट करता है आउट ऑफ द 670 लाख करोड़। ये है इंडिया की टोटल हाउसहोल्ड सेविंग्स क्यूमुलेटिव ओवर द इयर्स, अप्रोक्सीमेटली 670 लाख करोड़। तो बैंक अकाउंट एक छोटा सा हिस्सा है। पूरे एसेट्स में हाउसहोल्ड्स ने कितना पैसा लगाया, इंश्योरेंसों में कितना लगाया, म्यूचुअल फंड में कितना लगाया, स्टॉक्स में कितना लगाया, गोल्ड में कितना लगाया, फिजिकल एसेट्स जैसे रियल एस्टेट में कितना लगा, सबका जो समेशन है उस सेविंग्स ऑफ द हाउसहोल्ड कहते हैं। अब ये जो आंकड़ा आरबीआई ने रिलीज किया है वो रियल एस्टेट के बगैर है। तो ये सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात लोगों के लिए क्या निकली है कि जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज थी लोगों की, 15 लाख करोड़ के लोन लिए गए हैं 22-23 एफआई में और सेविंग्स उस रेट पे नहीं बढ़ी। बट जो ये रियल एस्टेट का आंकड़ा अभी तक नहीं आया है, ये ज्यादातर मुझे ये लगता है कि लोगों ने उधार लेके रियल एस्टेट में खरीदा है, वो रियल एस्टेट का आंकड़ा अभी तक आया नहीं, इसीलिए फाइनेंशियल लायबिलिटीज बहुत बड़ी सी लग रही हैं एज अ प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल सेविंग्स की जो बढ़त है वो इतनी नहीं है, वो सिर्फ 10.9% बढ़ी है। बट जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ी है 8 लाख करोड़ से सीधे 15,82,000 करोड़ पे पहुंच गई है, जो कि ऑलमोस्ट 92% इंक्रीज देखने को मिली है फाइनेंशियल एसेट में। आई थिंक दिस इज अ ट्रेंड, जो रियल एस्टेट का आंकड़ा आएगा तब समझ में आएगा कि ये उधार लेके लोगों ने किया क्या है, पूरा खर्च कर दिया है और रियल एस्टेट ज्यादा खरीदा। अब क्योंकि हम आंकड़ों की ही बात करें फिरोज, एक और आंकड़ा एक अलग तस्वीर पेश करता है और इसको जरा कोरिलेशन में देखते हैं, क्योंकि जब भी कोई टेस्ट होता है उसको कोरिलेशन में देखते ही एक निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे आपने कहा कि रियल एस्टेट का भी डेटा नहीं आया, तो लोग अगर कर्ज लेकर खरीदारी कर रहे हैं तो वो पैसा जा का रहा है। लेकिन जो पिछले हम 6 महीने का चले मान लेते हैं, हम 6 महीने ही लें, हालांकि काफी अच्छा डेटा तो पिछले 9 महीने का साल की शुरुआत से ही आ रहा है। म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ रहा है, SIP के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, डीमैट अकाउंट्स हमने देखा वो रिकॉर्ड हाई पर है, वो काफी ज्यादा खुले हैं, लोग बाजार में बढ़ चढ़ कर पैसा लगा रहे हैं, बाजार ऑल टाइम हाई है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि लोग बचत नहीं कर रहे हैं, फिर स्पेंडिंग मतलब खर्च ज्यादा हो रहा है कर्ज लेकर, और हम देख रहे हैं कि ऐसे आंकड़े भी म्यूचुअल फंड की तरफ से आ रहे हैं, तो इस ट्रेंड को अब बाकी जो हमने ऑलरेडी आंकड़े डिस्कस किए उससे जोड़कर कैसे देखें। स्वाति जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, देखें तो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स काफी सारे 10 करोड़ को क्रॉस कर लिया हमने। अगर हम देखें SIP के आंकड़े अप्रैल 2022 जो सवा डेढ़ साल पहले की बात है, तो 11,700 करोड़ की SIP का नया पैसा SIP के माध्यम से आया, अब 15,300 करोड़ पे हम पहुंच गए। सबसे अच्छी बात ये है कि ये मार्केट में डेढ़ साल अच्छे नहीं गुजरे, लास्ट 6 महीने जरूर अच्छे गुजरे होंगे, बट लास्ट फाइनेंशियल ईयर तो काफी राइट ऑफ जैसा ही था,
यूक्रेन का अभी तक हैंगओवर खत्म नहीं हुआ था, तो ग्लोबल इन्फ्लेशन आ गई, मार्केट 18,000 से 15,000 दो बार जाके आ गई, फिर भी एक रिटेल निवेशक एसआईपी का निवेशक घटा रहा। सो आई थिंक इससे एक ट्रेंड तो निकलता है कि आज जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एजुकेशन के आधार पे कर रहे हैं, लालच के आधार पे नहीं कर रहे, वरना वो 11,700 करोड़ का नंबर 15,300 करोड़ पे नहीं आता। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर हम ये आरबीआई का भी डेटा देखें, इसको अगर एक कॉलम एट अ टाइम लें, तो फाइनेंशियल जो सेविंग्स थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22, लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 25,97,000 करोड़ थी, वो बढ़ के 29,59,000 करोड़ हुई है, तो 4,00,000 करोड़ का इजाफा हुआ है अंदाजन, तो उसमें 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली। एक नंबर जो खराब आ रहा है वो नेट नंबर है, नेट फाइनेंशियल सेविंग्स। नेट फाइनेंशियल सेविंग्स इज फाइनेंशियल सेविंग्स माइनस फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी 15,00,000 करोड़ हो गई 8,00,000 करोड़ से, और ये 15,00,000 करोड़ एक फुल नंबर नहीं है क्योंकि रियल एस्टेट का नंबर नहीं है। सो पॉइंट वन, जो भी आंकड़े आ रहे हैं एसआईपी के डीमैट अकाउंट के, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि 4,00,000 करोड़ के एक्स्ट्रा सेविंग्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आई है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, करेंसी होता है, जैसे बैंक अकाउंट में जो पैसे छोड़ते हैं उसको हम करेंसी कहते हैं, डिपॉजिट्स होता है आरडी और एफडी, इक्विटी होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, जीसेक होता है, स्मॉल सेविंग्स होता है, इंश्योरेंस होता है, पीएफ होता है। ये 8 कैटेगरी होती है फाइनेंशियल सेविंग्स की, वो ग्रॉस में 4,00,000 करोड़ बढ़ी है। ये नंबर 2013 में 10,00,000 करोड़ था, 10,64,000 करोड़ FY23 में, FY13 में, 10 साल बाद का जो आंकड़ा है वो 10,64,000 से बढ़ के 29,59,000 करोड़ का हो गया, जो ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया फाइनेंशियल ग्रॉस सेविंग। सो ये नंबर कोरिलेट करते हैं, ये जो लायबिलिटी की जो 8,00,000 करोड़ से 15,00,000 करोड़ की बढ़त देखने को मिली है वो एडअप नहीं कर रही। जैसे आपने कहा कार और होम लोन में 62% का लोन तो वही लोन है, तो अभी होम का डेटा नहीं आया। सो पॉइंट वन इज एवरी नंबर इज एडिंग अप एक्सेप्ट दिस फाइनेंशियल लायबिलिटी। और क्षितिज साहब ने जो कहा कि खर्च करने का मूड बना है लोगों का, माना कि हम वेस्ट की तरह नहीं जा रहे, वेस्टर्न कंट्रीज में लोग 7-7 साल का लोन ले लेते हैं, 3-4-6 महीने की पूरी हॉलीडे करके आ जाते हैं, नौकरियों से निजात पाके सबैटिकल लेके 6 महीने बैकपैकिंग करके 7 साल का लोन ले लेते हैं। इंडिया अभी बहुत दूर है वैसे वेस्टर्न माइंडसेट से, वेस्टर्न सोशल फैब्रिक से। सो आई डोंट थिंक ये जो क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग है जो कंजम्पशन बढ़ा रही है इकोनॉमी की, दैट्स सो आउटरेजियस दैट इट शुड बी वरीसम फॉर एनी ऑफ अस। भारतीयों का पैसा, मतलब जैसे हम जो हमने शुरुआत किया था कि हम ट्रेडिशनली वैसे सेवर्स की इकोनॉमी मानी जाती है, लेकिन धीरे धीरे अब लोगों ने स्पेंड करना शुरू किया है, हमारा जो पैसा बेसिकली ज्यादा लगा कहाँ पर है और क्या सही जगह पे लगा भी है? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हम पैसा लगा भी रहे हैं तो क्या ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां पर हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले और जो महंगाई को मात देने वाला, जिसे निवेश कहते हैं, रियल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, वो हमें मिल पाए? स्वाति जी, अनफॉर्चुनेटली एक अगर मैं स्ट्रेट आंसर दूं तो नहीं। इंडियंस को सेविंग्स की आदत है क्योंकि बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि जितनी चादर है उतनी फैलाओ, ज्यादा मत खर्च करो, फ्यूचर के लिए सेव करो, तो ये जो हमारे डीएनए में इनग्रेन्ड है सदियों से वो तो है ही। तो अगर आप देखें 46,00,000 करोड़ सेव कर लेना एक साल में, FY22 का टोटल आंकड़ा 46,00,000 करोड़, ये कोई कम नंबर नहीं है, बहुत अच्छा नंबर। अब देखें टोटल सेविंग हाउसहोल्ड की हमने रिसर्च की थी, हम करते हैं 10 साल पहले भी थी वो नंबर, आज का नंबर भी है, वो 670,00,000 करोड़ है टोटल हाउसहोल्ड सेविंग्स। अब इसको अगर हम दो भागों में पहले डिवाइड करें, फाइनेंशियल सेविंग नॉन फाइनेंशियल सेविंग, फाइनेंशियल सेविंग में 320,00,000 करोड़ है। अब ये 320,00,000 करोड़ में से 120,00,000 करोड़ डिपॉजिट्स में, डिपॉजिट में पोस्ट टैक्स की रिटर्न आती है 5-6% डिपेंडिंग ऑन द टैक्स ब्रैकेट। इसका सिर्फ एक छटाई 1/6 इक्विटी म्यूचुअल फंड में 20-22 लाख करोड़ है। तो डिपॉजिट में ज्यादा पैसा और इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिर्फ 20-22 लाख करोड़, ये क्लियरली दर्शाता है कि इंडिया महंगाई को मात नहीं दे पाएगा। अगर ये पूरे पैसे एक इंसान के होते तो वो महंगाई कभी मात नहीं कर दे पाता, क्योंकि सिर्फ 1/6 पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में। सबसे बड़ी शॉकिंग और दुखद बात यह है कि करेंसी में, मतलब बैंक अकाउंटों में और नोटों में, हमारे पास कुल मिला के 9% होल्डिंग है
मतलब 28 लाख करोड़ की सिर्फ करेंसी हमारे पास, इक्विटी म्यूचुअल फंड भी उससे कम है। तो अगर अगर हम सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंटों में और कैश इन हैंड में इतने पैसे रखेंगे, डिपॉजिट्स में इतने पैसे रखेंगे, आधे पैसे तो इन दोनों के बीच में ही हो गए, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इतना कम रखेंगे तो कैसे रियल रिटर्न बन सके। तो हमने इंडिया की एवरेज रिटर्न लास्ट 10 ईयर्स की कैलकुलेट की इस आधार पे, और समझ में आया कि इंडिया की अप्रोक्सीमेट रिटर्न लास्ट 10 ईयर्स की 6.7% की ही है। अगर 6.7% की रिटर्न को अगर हम लास्ट 10 ईयर्स की इन्फ्लेशन से कंपेयर करें, एवरेज इन्फ्लेशन से 5.9% है, 5.8-5.9%, तो हमने सिर्फ 1% का रियल रिटर्न फाइनेंशियल एसेट्स पे बनाया है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स एज अ ग्रुप ऑफ हाउसहोल्ड्स इन इंडिया। जो ये चेंज होना चाहिए, और आप भी एज अ मीडिया हाउस रिस्पॉन्सिबली बहुत लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आई एम श्योर दिस विल चेंज ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। और एक सही जो एसेट एलोकेशन होना चाहिए वो क्या हो, इक्विटी और डेट का सही संतुलन कैसे बने? पैसे के दो हिस्से में बांटना बहुत जरूरी है। हर इंसान के पास एक पैसे ऐसे होते हैं जिसकी अभी खर्च होनी होती है 3-4-5 सालों में। जो भी 5 साल के ऊपर का पैसा है उसी के लिए मैं एसेट एलोकेशन बोल रहा हूँ। 5 साल के ऊपर के पैसे में अगर 80% इक्विटी नहीं रखी है आपने तो महंगाई मात देना मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली पोस्ट टैक्स, जैसे क्षितिज भाई ने कहा। सो 80-20, 20 into debt and 80 into equity। अगर 3-5 साल है उसमें भी आप ऑलमोस्ट 50-60% इक्विटी में जा सकते हैं। अगर 5 साल से 3-5 साल के बीच में भी वो पैसा, तो एटलीस्ट 50-60% आप इक्विटी में रख सकते हैं। ये जो एक बहुत बड़ा निर्णय है, ये अगर निर्णय लेंगे तो रिटर्न 2-3% एवरेज ओवरऑल पोर्टफोलियो पे बढ़ने की गुंजाइश होती है। सो यू कैन गेट क्लोजर टू 10%। टैक्स देने के बाद अगर आप 9-8.5 पे आते हैं तो अच्छी तरह से आप महंगाई को मात दे पाएंगे।